नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन GLCIS परिवार के द्वारा। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए विगत वर्षों के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। हमारे ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए और आंसर आपको जो है कमेंट भी करना है आंसर आप लोगों को। चलिए, तो पहला ऑप्शन है हमारा चौथा स्थान, दूसरा है हमारा पहला स्थान, तीसरा है हमारा और नेक्स्ट है हमारा दूसरा। ठीक है बेटा, हमारा जो आंसर होगा राइट आंसर वो होगा दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है बेटा? दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और बात करती हूँ मैं, देखिए सबसे पहले जो राजस्थान के मेरे गुरुजी हैं उनको खमागणी बोलती हूँ मैं, क्योंकि देखिए बेटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्यों की बात करती हूँ क्षेत्रफल में, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। ठीक है बेटा, क्या देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश का जो रहा मैप रहा, ये रहा बेटा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर है अपना राजस्थान, तो राजस्थान जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है बेटा, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और हमारे जो मध्य प्रदेश का है बेटा वो कितना है हमारा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक और मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी बेटा कि जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से, जब विभाजन नहीं हुआ था तब हमारा क्षेत्रफल अधिक था, लेकिन विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है इतना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। क्या है बेटा क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बाय मैप समझा देती हूँ बेटा ये वाला आंसर। आप लोग जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को पहले चूज करिए और आप कमेंट करिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारा पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश और लास्ट हमारा क्या बेटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो पश्चिम की बात कर रहा है बेटा, क्या बात कर रहा है ये, पश्चिम की बात कर रहा है हमसे। देखिए सबसे पहला ये है कि बेटा जो क्वेश्चन जो उसने पूछा है ना, इसकी क्वेश्चन पे हमको पकड़ बनानी है। किस पे पकड़ रखनी है, हमारी क्वेश्चन पे, कि उसने पूछा क्या है हमसे। ठीक है, ये देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश ऐसा एक्चुअली है नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, क्योंकि भी हमको सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पश्चिम में अपना कौन सा है बेटा, कौन सा अपना, गुजरात है। कौन सा बेटा पश्चिम में, गुजरात है। इधर की मैं बात करूँ अपना, इधर कौन सा बेटा, राजस्थान है इधर इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है ना, इधर मैं बात करूँ अपना तो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा बेटा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नीचे मैं बात करूँ आप लोगों की तो क्या हमारा, महाराष्ट्र है। क्या बेटा, महाराष्ट्र। तो बात हमसे किसकी करी उसने, पश्चिम की। तो पश्चिम में कौन सा बेटा हमारा राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? हमारे पास दिए गए ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप रीड करिए। देखिए पहला है हमारा कौन सा है, मालवा का पठार, दूसरा है हमारा छोटा नागपुर का पठार, दूसरा कौन सा बेटा हमारा छोटा नागपुर का पठार, और तीसरा है हमारा दक्कन का पठार, और चौथा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा बेटा? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके MPPSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमको जो ज्योग्राफिकल जो होता है नॉलेज, फिजिकली जो ज्योग्राफी होती है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिजिकली जो ज्योग्राफी जो होती है, पीछे बैठा आप लोग जो बैठे हैं वो आपको भी आंसर दिखना है, ठीक है। चलिए तो ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेटा इसमें बाई मैप से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। देखिए बेटा, देखिए अगर मैं आपको एज अ बताती हूँ तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल हमेशा सेट हो जाएगा कि मैम ने क्या बताया था, ठीक है। देखिए क्या पूछा है हम लोगों से बेटा उसने, कि अरावली जो श्रृंखला है हमारी और जो विंध्याचल जो श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में कौन सा पठार स्थित है बेटा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, मालवा का पठार। कौन सा पठार बेटा? मालवा का पठार। देखिए बेटा ये रहा अपना राजस्थान, ये क्या रहा बेटा अपना राजस्थान, इधर क्या आता बेटा अपना राजस्थान, कौन सा आता अपना राजस्थान क्षेत्र जो आता अपना, कौन सा आता बेटा इधर अपना राजस्थान आता है ये अपना, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जो अरावली जो पर्वत है अपना किधर है, राजस्थान में, किधर है बेटा राजस्थान में। अरावली जो श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी पर्वतों की, जो मैं बात करूं आपसे पर्वतों की श्रेणी में जो अरावली है वो सबसे प्राचीन पर्वत है। और देखिए यहाँ पर जो मालवा का जो पठार है ये आपकी कौन सी रेंज की बेटा, विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज बेटा? विंध्याचल रेंज है ये, ठीक है। ये कौन सी रेंज है अपनी? विंध्याचल रेंज, ठीक है। वो अपने से क्या बात कर रहा है कि विंध्याचल और अरावली, ठीक है। अपन यहाँ पर अरावली बना लेते हैं, अरावली। देखिए अरावली जो पर्वत है बेटा, बिल्कुल जैसे जो मानसून आता है ना, मानसून के बिल्कुल समांतर अरावली पर्वत है। यही कारण है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में अपना कौन सा पठार आता है बेटा? मालवा का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार होता है। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है, ठीक है बेटा। तो मे बी मैं आपको ये अगेन, हमारे पास दिए गए हैं चार ऑप्शन, कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? चार, ठीक है। देखिए ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हमारा उड़ीसा, और लास्ट हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों को कमेंट बिल्कुल करना है, क्योंकि जो भी आपको आता हो आंसर आपको बिल्कुल कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बाय मैप इसको समझा देती हूँ बेटा, क्योंकि मान लो अभी उसने पश्चिम का पूछा, वो कोई सा भी पूछ सकता है आप लोगों से। देखिए बेटा ये रहा मैप, देखिए यहाँ की मैं बात करूँ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर क्या था बेटा, राजस्थान, क्या था अपना राजस्थान, ठीक है बेटा। ये राजस्थान था अपना इधर, है ना, ठीक है बेटा।
और इधर अपना क्या है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है इधर अपना, उत्तर प्रदेश राज्य है। और नीचे अपना कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य बेटा, छत्तीसगढ़ है। इधर अपना दक्षिण में महाराष्ट्र है, दक्षिण में अपना जो है महाराष्ट्र है। इधर अपना गुजरात है ना। ठीक है बेटा, तो ये तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पांच राज्यों से ही सीमा का साझा करता है। कितने राज्यों से बेटा, पांच राज्यों से ही सीमा का साझा करता है। ठीक है, पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका महाराष्ट्र, और जो पांचवा है आपका कौन सा है बेटा, गुजरात। देखिए अपना जो क्वेश्चन था उसमें, और आप लोगों को बता दूं बेटा, जो उड़ीसा है वो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नीचे ही आता है। क्या आता है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नीचे ही आता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश इसकी सीमा नहीं छूती है। ठीक है, चलिए हम हमारे आंसर्स पे आते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें बेटा, क्या आंसर होगा हमारा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कहाँ आता है बेटा अपना, अभी आप लोगों को बताया छत्तीसगढ़ के नीचे आता है, लेकिन इसकी सीमा जो है नहीं लगती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा हमारी एमपीपीएससी मेंस की क्लास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। आप लोग जो कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए थे एप्लीकेशन पे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। क्या क्वेश्चन है बेटा, वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो बना हुआ है किसका बना हुआ है। ठीक है, तो पहला आता है आपका विंध्य सेल। क्या आता है बेटा, विंध्य सेल। दूसरा आता है आपका गोंडवाना लैंड। तीसरा आपका आता है दक्कन ट्रिप। और चौथा आता है बेटा इनमें से कोई भी नहीं। एबीसीडी चार ऑप्शन दिए बेटा, आप लोगों को इनमें से ऑप्शन चूज करके आपको कमेंट बिल्कुल ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश जो है अपना किसका किसका भाग है, अपना गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है बेटा, मध्य प्रदेश जो अपना किसका भाग है बेटा, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, चलिए गोंडवाना लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको कर देती हूँ, क्योंकि बेटा अभी हमारा जो चल रहा है वो काफ़ी शॉर्ट में चल रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सहयोग से चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड की। ठीक है बेटा, देखिए तो गोंडवाना लैंड जो होता है बेटा, ये जो भाग है हमारा हिमालय से भी पुराना भाग है। कौन सा बेटा, हिमालय से भी पुराना भाग है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व, कब बेटा, 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो है बेटा आपके जो दो ही लैंड थे। कौन से लैंड थे बेटा, दो ही। एक तो कौन सा था आपका, लोरोशिया, कौन सा करके बेटा था, लोरोशिया करके था एक लैंड। ठीक है, और दूसरा आपका था गोंडवाना लैंड। दूसरा कौन सा था बेटा आपका, गोंडवाना लैंड। ठीक है, पहला आपका कौन सा लैंड था बेटा, लोरोशिया लैंड था, और दूसरा कौन सा था आपका, गोंडवाना लैंड था बेटा। ठीक है, कब कब की बात कर रही हूँ मैं आपसे, 50 करोड़ वर्ष पूर्व। तो बेटा क्या हुआ कि ये जब लैंड थे तो ये टूटे, टूट कर इनसे जो है आपका अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका, इनका निर्माण इसी से हुआ। किससे, लोरोशिया से, लोरोशिया जो लैंड था उससे। और आपका जो गोंडवाना जो लैंड था बेटा, ये टूट के आपका अरब प्रायद्वीप बना। कौन सा बेटा, देखिए ये आपका अपना इंडिया है। देखो अभी इतना अच्छा मैप नहीं बनेगा, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टूड करना बेटा मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो अरब प्रायद्वीप जो अपना बना, अरब प्रायद्वीप जो बना वो आपका इसी से ही बना। किससे बना बेटा, गोंडवाना लैंड से ही आपका अरब प्रायद्वीप बना। और अपना जो भारत है, भारत प्रायद्वीप भी आपका किससे बना बेटा, गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड जो है बेटा आपका हिमालय से भी प्राचीन लैंड है। और हिमालय तो नवीन मलित पर्वत है, क्योंकि हिमालय जो है आप लोगों ने देखा होगा ये उत्तराखंड में कभी भी उत्खनन हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत है, अभी इसको बने में ज़्यादा टाइम नहीं था। और हिमालय के पहले जो मतलब एक समुद्र था वो कौन सा था, टैथिस नाम का एक सागर था। और
जैसे कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा और बताना चाहूँगी बेटा, राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान का जो पानी बहुत अधिक खारा है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आज से लाखों वर्ष पूर्व जो आपका टैथिस जो सागर था वो सूख गया है। वहाँ पर क्या हो गया बेटा? टैथिस सागर सूख गया। इसी कारण से आपने देखा होगा कि क्योंकि राजस्थान तो किसी भी समुद्र सीमा को टच नहीं करता है तो भी उसका जल पूरा खारा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो टैथिस सागर के सूखने के कारण वो जो वहाँ का पानी है उस पानी में भी लवणता आ जाती है। इसी कारण से अपना जो राजस्थान का जो पानी है वो अधिकतम क्या होता है बेटा? खारा होता, पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में आप लोगों को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। और प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को पूर्व पाषाण युग माना नहीं जाता है? क्या बेटा? पूर्व पाषाण युग नहीं माना जाता। किसको? क्या क्वेश्चन पूछा? मध्य प्रदेश के किस जिले को, मध्य प्रदेश का जो जिला है कौन सा ऐसा जिला है जो दिए गए अपने आंसरों में से कौन सा नहीं है बेटा? पूर्व पाषाण युग नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा? पूर्व पाषाण युग नहीं है। देखिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इसमें से आपको राइट क्लिक लगाना है। ठीक है बेटा, राइट क्लिक आपको ज़रूर लगाना है, आपको आंसर देना है कमेंट करके। ठीक है, तो बेटा अपना राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ग्वालियर होगा। कौन सा होगा बेटा राइट आंसर अपना? ग्वालियर होगा। बता देती हूँ बेटा ग्वालियर क्यों होगा। देखिए बेटा, जो ये अपने जिले हैं सीधी, मंदसौर और जो ये खंडवा है ना, यहाँ से 9 पाषाण युगीन साक्ष्यम को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ग्वालियर से ऐसे कोई भी साक्ष्यम को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए ग्वालियर को 9 पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। एक बार और एक्सप्लेन करूँ बेटा। ठीक है, देखिए जो मध्य प्रदेश है पूर्व पाषाण युगीन कौन कौन से जो जिले इसमें अपने आएंगे है ना, पहला अपना कौन सा है? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर और खंडवा। तो ये जो अपने सीधी, मंदसौर और खंडवा हैं यहाँ से अपने पूर्व पाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन ग्वालियर से पूर्व पाषाण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ में आप लोगों को, आपको भी इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन रीड करिए बेटा आप लोग। देखिए अमरकंठक स्थित है, क्वेश्चन क्या है हमारा? अमरकंठक स्थित है, ऑप्शन दिए गए हमारे पास ABCD। देखिए मुझे पता है आप लोग बोलोगे मैम ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सीली क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मुझे पता है इजी है, कुछ कुछ थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी होना चाहिए, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन भी होना चाहिए, एकदम इजी भी नहीं दे सकती मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अमरकंटक स्थित है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है बेटा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा बेटा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो इसका क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बेटा आप लोगों से अमरकंटक की, मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये है अपना कौन सा भाग? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कौन सी बेटा? सतपुड़ा। अगर आपसे पूछ ले लास्ट ईयर जब PSC का जो एग्ज़ाम था ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था राजपिपलिया और बड़वानी की जो पहाड़ियाँ थी, क्योंकि ये जो हिस्सा है बेटा बहुत ही सकरा हिस्सा है। कैसा है? बहुत सकरा हिस्सा। ठीक है, तो ये अपना रहा कौन सा बेटा? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा बेटा? सतपुड़ा पर्वत। और ये जो श्रेणी है ये कौन सी बेटा? मैकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है आपकी? मैकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है बेटा? मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी में जो इसका चोटी है कौन सी? अमरकंटक एक चोटी है। कौन सी चोटी है? अमरकंटक। अमरकंटक जो चोटी है वो यहाँ का क्षेत्र है। कहाँ का बेटा? सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी में एक जो चोटी है उसका नाम क्या है आपका? अमरकंटक। तो ये आपके कहाँ पर आता बेटा? मध्य प्रदेश। कहाँ पर आता बेटा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। आप कमेंट करिए आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बेटा स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ पढ़िए आराम से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, पढ़िए आप। ठीक है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? क्या क्वेश्चन दिया गया है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ABCD चार हमारे पास दिए गए हैं। देखिए भांडेर, मैकाल और अरावली,
देखिए, देखिए बेटा, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली, ठीक है। क्या पूछ रहा बेटा? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? ये रहे हमारे पास चार ऑप्शन, ठीक है। अब इस ऑप्शन, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा। देखिए, देखिए बेटा, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। क्या रहा आपका? मध्य प्रदेश। देखिए क्या बोल रहा है, नर्मदा घाटी। देखिए ये सबसे पहले जो रेंज है, ये कौन सी रेंज है बेटा आपकी? विंध्याचल रेंज है। कौन सी रेंज है बेटा? विंध्याचल रेंज है, ठीक है। दूसरी आपकी, इसी के नीचे कौन सी आएगी आपकी? सतपुड़ा रेंज। कौन सी आएगी बेटा? सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है आपकी? सतपुड़ा रेंज। और बेटा बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी? नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी है बेटा? नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी, ठीक है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में आपकी क्या बेटा? नर्मदा घाटी स्थित है। क्या है? नर्मदा घाटी जो है आपकी स्थित है, ठीक है। अब नर्मदा घाटी की मैं आप लोगों से बात करती हूँ बेटा, मतलब नर्मदा नदी जो है यहाँ से प्रभावित होती है, ठीक है। नर्मदा नदी क्या होती है? इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से प्रभावित होती है, जिसे ब्रंश घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ब्रंश घाटी बोला जाता है। और इसी में जो है नर्मदा, हमारी जो नर्मदा नदी है वो प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं बात करती हूँ आपसे, नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है सबसे निचला क्षेत्र है। कैसा है? सबसे निचला क्षेत्र है। निचला मतलब, यानी कि अगर आप लोगों से बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, तो सबसे निचला जो हिस्सा होगा बेटा वो आपका क्या होगा? नर्मदा घाटी ही होगी, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बोल सकते हैं अपन लोग 300 से 400 मीटर है ना। क्योंकि देखिए ये दोनों पर्वत है, अब मैंने मेजर नहीं किया लेकिन हमको इमेजिन ही करना है ना। और ये भी पर्वत है, ये सतपुड़ा रेंज बेटा और ये विंध्याचल रेंज है। इन दोनों के बीच में जो प्रभावित होती है वो कौन सी नदी? हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। देखिए नर्मदा घाटी की मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए नर्मदा घाटी जो है यहाँ पर बेटा जायद की फसलें अत्यधिक करी जाती है। किसकी? जायद की। जैसे कि खरबूजा हुआ, अभी मौसम है बढ़िया, फ्रिज में रख दो खरबूजा और ठंडा ठंडा खाओ, तरबूज हुआ है ना, सब्जियाँ हुई, तो सर्वाधिक जो होती जायद की फसलें सर्वाधिक जो होती हमें नर्मदा घाटी में जो है उपलब्ध होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नर्मदा जी बहती है और किनारे किनारे पर आप लोगों ने देखा नहीं होगा हल्का सा रेत और मिट्टी का मिश्रण जहाँ रहता है, जिससे कि ये अपनी खीरा वगैरह जो ये खरबूजे ये बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए आया समझ में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखिए बेटा, MPPSC जो है हमारा प्री के लिए 1000 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, आप हमारे जो कोचिंग संस्था है इस पर संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए चलिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा? क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? देखिए हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन, ठीक है। आप लोग इन ABCD ऑप्शंस को रीड करिए, इसको समझिए, ठीक है। पहला है हमारा ऑप्शन महादेव पहाड़ियों में, राजपिपला पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में या कैमूर पहाड़ी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर कौन सा होगा बेटा इसका? हमारा महादेव पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ी में स्थित है बेटा? महादेव पहाड़ियों में जो है आपकी धूपगढ़ चोटी, सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो स्थित है। कहाँ पर? महादेव की पहाड़ियों में। अब बेटा वापस से मुझे सतपुड़ा ही ले जाना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है। चलो हम सतपुड़ा घूम कर आते हैं, है ना। देखिए ये रहा आपका सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत मानो या सतपुड़ा रेंज, जो भी हम बोलना चाहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें ये वाला जो भाग है आपका किसका भाग है? मैकाल श्रेणी का। कौन सा भाग है बेटा? मैकाल श्रेणी का भाग, ठीक है। और ये वाला जो आपका भाग है ये महादेव श्रेणी का। किसका है बेटा?
महादेव, महादेव की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपका पचमढ़ी वगैरह भी आता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है बेटा, ये कौन सा आपका राजपीपला की पहाड़ी, या बेटा इसको बड़वानी पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर स्थित, ठीक है, किसकी है, बड़वानी की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। महादेव पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी में ही आपकी कौन सी आती है बेटा, धूपगढ़ चोटी आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी, धूपगढ़ की। तो क्वेश्चन समझ में आया आपका, जो है सतपुड़ा पर्वत जो है तीन भागों में विभाजित हुआ है, पहला है आपका मेकाल श्रेणी, दूसरा है आपका महादेव पहाड़ियाँ, और तीसरा आपका कौन सा बेटा, राजपीपला। और राजपीपला जो भाग है बेटा, ये सर्वाधिक कैसा भाग है, सकरा भाग है, ठीक है। तो महादेव पहाड़ी में जो है आपकी धूपगढ़ श्रेणी आती है, धूपगढ़ चोटी आती है, जिसकी लंबाई कितनी बेटा 1350 मीटर है। समझ में आया आप लोगों को बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। देखिए क्या होता है बेटा कि क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हम लोगों को रीड करना चाहिए, क्यों, कितनी बार पता है क्या होता है, आंसर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में हम लोग गए, आप पेपर देते हो तब क्या लगता है, मैंने तो 85 स्कोर मारे, दोस्त से आके क्या बोलोगे, बाहर मैंने तो 85 मारे, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर कितनी बार हम क्वेश्चंस अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उसका जो आंसर है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आता है बेटे। तो कभी भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, तीन बार, जब तक अपने को समझ में आए, और तीसरी बार से अगर नहीं आया ना बेटा, उस क्वेश्चन को स्विच करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रिकॉल अगर होता ना आपको आंसर, आपको फर्स्ट सेकंड टाइम में रिकॉल हो जाता, नहीं हो रहा छोड़ दो उसको, ठीक है, अगले क्वेश्चन की, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बार ऐसे क्वेश्चन, है ना। और किसी भी एग्जाम्स में बात करूँ आप लोगों से, पेपर सबका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि हम लोग उसको, उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, ठीक है बेटा। चलो आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस से, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, ठीक है। चंबल मतलब वही डाकुआ वाला विभाग है ना, मतलब चंबल के डाकू जो बहुत फेमस है, कहाँ से निकलती है चंबल नदी, जाना पाओ, मतलब डाकू रहेंगे तो वहाँ जाकर क्या करेंगे हम लोग, है ना, जाना पाओ पहाड़ी, तो जो चंबल नदी जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए लेकिन क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा अलग पूछा, क्षेत्र पूछा उसने कि जो मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन वाला जो क्षेत्र है उसमें चंबल घाटी कहाँ पर आती है हमारी, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ए बी सी डी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठारिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, मध्य भारत का पठार, कौन सा होगा बेटा, मध्य भारत का पठार। इसको मैं थोड़ा सा आपको बाय मैप समझा देती हूँ बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। देखिए बेटा ये आपका मध्य भारत रहा, मतलब मध्य भारत नहीं, ये तो सारे जिले हैं, लेकिन इसी में मध्य भारत आपको समझा दूंगा मैं बेटा। देखें मध्य भारत जो है आपका, ये अपना देखिए, ठीक है, मध्य भारत जो है आपका इतने इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका जो है शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये सब चंबल क्षेत्र के, ये क्या है बेटा, चंबल क्षेत्र से प्रभावित है। और चंबल नदी क्या करती है, जो बहुत गहरे गर्त होते हैं, गहरे गड्ढे जो होते हैं, उनका निर्माण जो है चंबल नदी करती है। और नर्मदा जो होती है वो कौन सी भ्रंश घाटियों में बहती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, आप लोगों को अच्छे से इसको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो जो है आपका ये जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, इस मध्य भारत में जो है आपके जो जिले आ जाएंगे, ये ऊपर के जितने भी जो जिले हैं मध्य भारत के ही जो है आपके जिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा बेटा हम लोगों से, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन हमारे ये रहे विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर और भांडे। क्या क्या ऑप्शन है बेटा हमारे पास, विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर और भांडे। आप लोगों को कमेंट में राइट आंसर देना है, ठीक है। चलो मैं इसको आप लोगों को फिजिकली समझाती हूँ। चलिए देखिए
देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ से मैंने बोला हम, क्योंकि अब अपनी नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है बेटा? नर्मदा नदी बह रही है, ये रही आपकी नर्मदा नदी। थोड़ा सा ऐसा ब्लू ब्लू कर देती हूँ ताकि आपको लगेगा कि यहाँ पर पानी है, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी नर्मदा नदी बेटा। ये कौन सी है आपकी श्रृंखला? सतपुड़ा। और ये कौन सी आपकी जो है आपकी? विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज है बेटा? विंध्याचल रेंज। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी दो रेंजों के बीच में जो है एक नदी बहती है, ठीक है। चलिए, अपने मैप देखा, देखो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। देखिए, पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है? देखिए, ये रही आपकी विंध्याचल रेंज। ये कौन सी रेंज है बेटा आपकी जो है? सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है? देखा, तो दो बड़ी नदियों के जो बीच में स्थित है, दो नदी, एक तो आपकी यहाँ से जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी जाएगी बेटा? नर्मदा नदी। और एक कौन सी जाएगी बेटा? ताप्ती नदी। कौन सी नदी जाएगी आपकी? ताप्ती नदी। तो दोनों ही नदी तंत्र अलग अलग नदी तंत्र हैं, ठीक है। एक तो नर्मदा नदी तंत्र, एक ताप्ती नदी तंत्र। तो वो यही पूछ रहा आपसे, श्रेणियों में, पर्वत की श्रेणियों में बोलकर आपको घुमा दिया है, लेकिन पूछा है कि दो नदियाँ मतलब नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रेंज है? तो कौन सी रेंज है बेटा आपकी? सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है आपकी? सतपुड़ा रेंज है। देखिए देखिए बेटा, ये आपकी रेंज की कौन सी? विंध्याचल रेंज है। ये आपकी रेंज कौन सी? सतपुड़ा रेंज है। यहाँ से आपका नर्मदा नदी निकली हुई है बेटा, और यहाँ से जो निकली आपकी ताप्ती नदी निकली। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी दोनों कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बेटी बहती है बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों नदियाँ बहती है। और ये जो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी बोल दे आपसे, खंभात की खाड़ी बोल दे, या कैम्ब की खाड़ी पहाड़ी बोल दे, या अरब सागर बोल दे, तो आपको जो है तीनों ही ऑप्शन अगर आते हैं कि इसका नदी का समापन कहाँ होता है, तो यहाँ पर इन नदियों का समापन होता है, ठीक है बेटा, नर्मदा नदी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। आया समझ में? चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दतिया का द्वार कहा जाता है? दक्षिण का द्वार कहा जाता है, सॉरी, क्या कहा गया बेटा? दक्षिण का द्वार इसको कहा गया। ठीक है, चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारे क्या हैं, ऑप्शन दिए हैं, ABCD ऑप्शंस दिए हैं, बुरहानपुर, सागर, छतरपुर और दमोह, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? हमारा बुरहानपुर होगा। कौन सा होगा बेटा? बुरहानपुर होगा, ठीक है। बुरहानपुर की मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ बेटा, कि बुरहानपुर की जो स्थापना है, बुरहानपुर की स्थापना है ये फारूकी वंश, कौन सा बेटा? फारूकी वंश के जो राजा थे नासिर खान, कौन थे बेटा? नासिर खान, इन्होंने इसकी जो है क्या करी थी बेटा? स्थापना करी थी। किसके? आपके बुरहानपुर की। किसकी बेटा? बुरहानपुर की जो स्थापना, फारूकी वंश के जो राजा थे नासिर खान ने बुरहानपुर की स्थापना करी थी। और सबसे बड़ी बात, मतलब एक बहुत खुशी की बात है, बुरहानपुर के वासियों को मेरा नमस्कार, ठीक है, सत सत वंदन अभिनंदन उनका भी, देखिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान महाकालेश्वर के क्या अवतार माने जाते हैं। पर देखिए, नशा किसी भी चीज़ का हो गलत ही होता है, ठीक है। आपको नशा करना है, आप IAS ऑफिसर बनिए, ठीक है, MBBS क्रैक करिए, आप UPSC क्रैक करिए, नशा एक बहुत अच्छी चीज़ का करो, चाहे वो ईश्वर का भी हो, एक नशा ईश्वर का भी हो सकता है, ठीक है, तो नशा ऐसी चीज़ों को करो। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग। देखिए, बुरहानपुर की स्थापना बेटा किन्होंने करी? फारूक वंश के जो राजा थे नासिर के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। इसको जो है दक्कन का दरवाज़ा भी इसको बोला जाता है। किसका बेटा? दक्कन का दरवाज़ा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा।
चलिए एक और क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात व राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? ठीक है, क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात व राजस्थान के राज्यों की सीमा को छूता है? ठीक है, चलिए मैं आपको बाय मेम बेटा समझा देती हूँ, आप ऑप्शंस पहले रीड कर लीजिए और आपको जो लग रहा है आप उसी पे ही टिक करिए। ठीक है, आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है ना कि मैम ये वाला राइट होगा आप उसी पे ही क्लिक करिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए बेटा ये यहाँ पर आपका कौन सा जिला आता है बेटा, झाबुआ। कौन सा आता है? झाबुआ जिला आपका आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका गुजरात और जो है आपका राजस्थान, नीचे आएगा थोड़ा सा गुजरात है ना, गुजरात और राजस्थान, इन दोनों की सीमा जो है आपके किससे लगती है बेटा, झाबुआ जिले से लगती है। किससे लगती है? झाबुआ से लगती है। ठीक है, चलो आया समझ में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, देखिए मैं यहाँ पर एक बार और आप लोगों को देखिए बेटा, ये रहा झाबुआ आपका, ये रहा बेटा झाबुआ, दिख रहा है आपको, देखिए ये झाबुआ है ना। तो ये झाबुआ जो है आपके गुजरात, इधर ही गुजरात है हमारा, मैंने आपको मैप बता चुकी हूँ। ये रहा आपका इधर ही नीचे गुजरात और ऊपर क्या रहा बेटा, राजस्थान। तो इन दोनों की जो सीमाएँ हैं वो किससे लगती हैं आपके, झाबुआ से। और हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिले हमारे राज्य की सीमाओं को टच करते हैं और हमारे राज्य के बहुत सारे जिले जो हैं उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, अपने राजस्थान के जो जिले हैं वो भी टच करते हैं। तो सारे पाँचों राज्य जो हैं उनकी सीमाएँ जो है अपने जिलों से लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? हमारे पास ABCD ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग रीड करिए इसको, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करिए आंसर बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, है ना। इसका राइट आंसर होगा बेटा कौन सा, उत्तर पूर्वी। कौन सा बेटा? उत्तर पूर्वी भाग में जो आपका बघेलखंड स्थित है, ये रहा। ठीक है बेटा, उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। मैं आपको बता देती हूँ उसका भी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं लास्ट में आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मालवा के पठार, क्वेश्चन क्या है हमारा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन है बेटा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? देखिए मुझे पता है MBBS बच्चे हैं जिनका रिवीजन चल रहा है वो एक बार में कर देंगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें से आप लोगों को अप्रोप्रिएट जो आंसर उस पर टिक करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए सिद्ध बाबा, राला मंडल, सिगार या जानापा। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सिगार। कौन सा आंसर होगा बेटा, सिगार। ठीक, कौन सा बेटा, सिगार। ठीक है, सिगार है। ठीक है, सिगार जो है आपकी मालवा का जो पठार है बेटा, ये रहा मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो आपका ये सिगार क्या है, इसकी सबसे ऊंची जो है चोटी क्या है बेटा, सबसे ऊंची इसकी चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 888 मीटर। क्या है बेटा, 888 मीटर। फिर इसके जो नीचे एक और कौन सी है आपकी, जानापाव। कौन सी बेटा, जानापाव, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 854 है। ठीक है, 854। उसके बाद आपकी धजारी, उसके बाद कौन सी है आपकी, धजारी। धजारी की ऊंचाई कितनी बेटा आपकी, 810 मीटर। कितनी है, 810 मीटर। ठीक है, देखिए सबसे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये चार ऑप्शंस आपके दिए हैं। मैंने आपको बताया कि सिगार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सिगार कौन सी बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सिगार, ये रही सिगार आपकी, मैंने मालवा अपना ऐसे ही बना दिया। देखिए ये मालवा का पठार है आप लोगों का, इस मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। कौन सी बेटा, सिगार। कितनी हाइट है इसकी, 8881 मीटर। कितनी, 8881 मीटर है। और सेकंड जो आपकी क्या है बेटा, जानापाव। कौन सी पहाड़ी आपकी, जानापाव। जानापाव जो चोटी है हाँ, इसकी जो ऊंचाई कितनी बेटा, 8554 मीटर। और ये जो आपकी लास्ट वाली धजारी, धजारी की ऊंचाई कितनी बेटा, 810 मीटर है। कितनी, 810 मीटर है। मालवा के पठार की मैं बात करूँ तो बेटा, मालवा का जो पठार है इसमें जो है
गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है बेटा? गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। और जो मालवा के पठार है इसकी जलवायु भी कैसी है, मतलब ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड लगती है, तो यहाँ पर ईजिली कोई भी रह सकता है, ठीक है। चलिए, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल का भाग नहीं है? क्या क्वेश्चन बेटा? पीछे बेटा आप लोग भी सभी को आंसर देना है ना, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास ABCD, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर और शिवपुर। क्या दिया बेटा? मुरैना। अब देखिए बेटा, आप लोगों को जो है हर संभाग का जिला, पूरे जिले जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर उसका नंबर नहीं देना वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और देखिए अभी हमारा एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो ज़्यादा मैं इतना डीप नहीं करवा पाऊँगी आप लोगों को, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग सीरियल वाइज चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेटा मैं आप लोगों को लेकर आऊँगी, चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी, और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ याद करवाते हुए चलेंगे, बिल्कुल है ना, यहीं पर याद होगा आप लोगों को। मैं वादा करती हूँ कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, यहीं पर हर एक चीज़ याद कंठस्थ करा दूँगी मैं, आप हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते बेटा, मुरैना, भिंड और अलीराजपुर। बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी जो है आपका क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या? अलीराजपुर। अलीराजपुर बेटा जो चंबल संभाग है आपका, अपने चंबल मतलब अपने उत्तर में सारे जिले, उत्तरी सारे जिले, ये तो उत्तर में आ गया, अलीराजपुर उत्तर में थोड़ी आता है, अलीराजपुर तो नीचे आता है, तो नीचे कहाँ पर आता है? इंदौर संभाग में आता है। कहाँ पर आता है बेटा? इंदौर संभाग में आता है। और चंबल संभाग में अपने कौन से आते हैं? मुरैना, भिंड, तुम्हारा ग्वालियर, और जो है आपका शिवपुरी। शिवपुरी सबसे ठंडा प्रदेश है, तो ये मतलब ये संभाग में आते हैं। किस पर? चंबल संभाग में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।